टेलीफोन टैकिंग के लिए, टेलीफोन टैपिंग के लिए कहा आपने? टेलीफोन टैकिंग का तो बहुत लंबा किस्सा है, बहुत लंबा किस्सा है, कई बार कह चुके उन बातों को याद मत दिलाओ, उन दिलाओगे तो फंस जाओगे, फंसे पड़े हो। लेके आए थे चार चार, कहाँ से आई थी वो टेप, कैसे कराया था मुकदमा वो सचिन पायलट जी पर, कैसे मुकदमा कराया आपने? अपने मंत्री बैठे, अपने पास लेके बैठे हो उनको, राष्ट्रों का मुकदमा दर्ज कराते हो, हमसे आंख लड़ाते हो, यहाँ बिराजू। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट के प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार बनाम महाराष्ट्र राज्य बनाम शांतिलाल शाह के निर्णय में इसको वैधता घोषित की है, समझा आप? जो आपने कहा ना कि इससे लो, तो उनको सबको ठेठ सुप्रीम कोर्ट ने जो है वैधता घोषित की उसकी। टेलीफोन टेपिंग में मैं बड़ी तसल्ली से कह रहा हूँ, हाई कोर्ट का लेटेस्ट फैसला आपके खिलाफ आया है शशिकांत वाले मामले में, उनसे पूछ लो, चाहे रेवेन्यू बोर्ड में आपने टेलीफोन टेप करवाए थे जिस आधार पर गिरफ्तारियाँ की थी, वो आईजी को आपने कंपिटेंट अथॉरिटी मान के कराया था, वो सारे उन्होंने कह दिया कि ये एडमिसिबल एविडेंस ही नहीं है, अगर मैं झूठा हूँ तो रिकॉर्ड पर मेरी बात चाहिए। तो इसी राजस्थान के हाईकोर्ट ने शशिकांत के मामले में संस्कार ले लीजिए, आपने अपनी बात नहीं रखी, माने नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात नहीं रखी, मंत्री अपनी बात रखेंगे, अधिकार है उनको इस बात अपनी बात रखने का। बिराजी, माने नेता प्रतिपक्ष, एक मिनट एक बात सुनिए आप, कई बार छोटे बच्चे जब मीठा ज्यादा खा लेते हैं ना, सभी माने सदस्य कह रहे हो, एक मिनट माने मंत्री महोदय, छोटे बच्चे जब मीठा ज्यादा खा लेते हैं तो उनके चूड़ियाँ हो जाता है, मुझे लगता है माने सदस्य का चूड़ियाँ हो रहे हैं हर बात पे खड़ा होकर के। मैं ये कहता हूँ महोदय, जब विधानसभा में जब चूर्णिया आई गया है तो जरा बता दो तो सभापति, मुझे चूर्णिया चीज क्या है? ये चूर्णिया जो है ये सदन यह जानना चाहता है, ये सदन यह जानना चाहता है कि चूर्णिया है क्या चीज, ये कैसे पैदा होता है और ये कहाँ पैदा होता है, ये किस जगह पैदा होता है? सभापति महोदय, इस एक्ट के 25 सेक्शन का एक्ट है ये, अगर मान लीजिए इनको कोई इस एक्ट में खराबी दिख रही थी तो इन्होंने संशोधन क्यों नहीं पेश किया?